हम मिडिल क्लास लोग पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, किसी से बात नहीं होती थी, मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया, तब तक कॉन्टेक्ट मेरा लगभग खत्म हो गया। और उस टाइम पे मैंने अपने आप को ये फील किया कि आई एम अ फेलर। मेरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ, 11, 12 आई एम अ एवरेज स्टूडेंट। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक स्पोर्ट्स हुआ, म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, पढ़ाई में मैं एवरेज थी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ट्वेल्थ क्या हुआ कि ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, तब तक भी अपने आप को लेकर इतना सीरियस नहीं थी, मतलब ठीक है स्पोर्ट्स डांस, बट पेरेंट्स को था कि करियर इनका पढ़ाई में बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आई एम द ओनली स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं स्कूल की हेड गर्ल थी, KV No. 2 कोटा से मैं पढ़ी हुई हूँ। आई एम द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल एंड उस टाइम पे आई एम द ओनली स्टूडेंट ऑफ माई क्लास जिसने ग्रेजुएशन किया। सब लोग कहाँ गए, कुछ लोग बीटेक कर रहे थे, कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया कोचिंग करने के लिए, कुछ लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया, एंड मैंने नहीं किया था। और उस टाइम पे मैंने अपने आप को ये फील किया कि आई एम अ फेलर, आई एम अ लूजर। क्यों? क्योंकि यार मैं बीएससी कर रही हूँ। मैं ये सोचकर बहुत टाइम तक परेशान रही, मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया, सबसे कॉन्टैक्ट मेरा लगभग खत्म हो गया। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मेरा फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आ गया था, मैकेनिकल फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। बीएससी इजी नहीं है बच्चों, पीसीएम था मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया। बीएससी का एवरेज मेरा था बेटा 67.38%, जहां बच्चे पास भी नहीं हो पाते थे, वहां एटलीस्ट मैं पास थी, और ये मेरा स्कोर था, परसेंटेज डायरेक्टली बता रही हूँ मैं, ठीक है। और तब मुझे था कि मुझे एमएससी फिजिक्स ही करनी है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, बट मुझे फिजिक्स नहीं मिला। क्यों? मेरा कट ऑफ कम चला गया। मतलब आप सोच रहे हो 11, 12 ग्रेजुएशन वो टाइम निकल गया, उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार मुझे वो कॉलेज नहीं मिला जो मैं चाहती थी, क्योंकि तब तक मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका था पढ़ाई में बहुत। मुझे एमएससी फिजिक्स नहीं मिला, बाय डिफॉल्ट मुझे एमएससी केमिस्ट्री मिला, और केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था, मेरा फोबिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ, एमएससी केमिस्ट्री में मेरा एडमिशन इसलिए लिया कि इन फ्यूचर अगर सेम यूनिवर्सिटी में अगर मेरा इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लूंगी, मेरा फी ट्रांसफर हो जाएगा। हम मिडिल क्लास लोग पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, कि मेरा फी वहीं का वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, एमएससी केमिस्ट्री में लिया एडमिशन। तो मैं रोज जो हमारे वाइस चांसलर थे उनके, मतलब वाइस चांसलर से नीचे जो एचओडी थे फिजिक्स के, उनके पास जाती थी, उनसे पूछती थी कि सर मेरा नंबर आया क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं आया, अभी कैटेगरी वाले बच्चों का आ रहा, आपका भी टाइम लगेगा। ऐसे करके 1.5 महीने बाद मेरा नंबर आया, लेकिन उस टाइम पे मैं घर पे थी, तो मेरे पास कॉल आया कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आई सेड हाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कॉल रख दिया। फिर उसके 10 दिन बाद मैं वापस एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट में गई, मैंने कहा कि सर मेरा नंबर नहीं आया अभी तक। उन्होंने कहा कि आपके पास कॉल गया था और आपने कहा मैंने तो एडमिशन ले लिया, मतलब मैंने तो केमिस्ट्री में एडमिशन ले रखा था, बट मिस कम्युनिकेशन देख रहे हो। और उन्होंने कहा कि आपकी सीट तो अब आपसे नीचे वाले स्टूडेंट को दे दी गई। मेरी वो सीट गई जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि मेरे को फिजिक्स में एडमिशन चाहिए। फिर मैं उस दिन बहुत रोई, मुझे रोना आ गया कि यार ये क्या हो गया, मैं फिजिक्स के लिए वेट कर रही थी और मेरे से वो मौका भी निकल गया, और वो भी ये मिसकम्युनिकेशन। फिर मैंने बीसीसी सर को एप्लीकेशन लिखा, बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज हुई, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई, और एट लास्ट मुझे एमएससी फिजिक्स बैच में एक सीट क्रिएट करके दी जा रही थी। लेकिन तब तक मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत अच्छे थे, मुझे आज भी याद है, अंकित सर, सुशील सर, भवानी सर, श्वेता मैम, नीलू चौहान मैम, एवरीवन मुझे आज भी सारे के सारे याद है, ठीक है। आशु रानी मैम, भारती मैम, सब लोग मुझे आज भी याद है। तो उन लोगों से मेरा बॉन्ड ऐसा बन गया था कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट होने, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो मैंने क्लास में 5th रैंक आया, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं केमिस्ट्री भी कर सकती हूँ, मैंने केमिस्ट्री को टाइम देना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने उस एमएससी की क्लास में 11, 12 की एनसीईआरटी उठाई, मैंने अपना बेस क्लियर किया, मैंने बीएससी का बेस क्लियर किया। और उसके बाद मेरा सेकेंड सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ तो मेरा सेकेंड रैंक था मेरा पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। अब सेकेंड रैंक आया और अगले साल ऑप्शन थे एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो ऑप्शन थे। ऑर्गेनिक के ओ से भी मैं डरती थी, ऑर्गेनिक इज माई फोबिया, ऑर्गेनिक के ओ से भी मैं डरती थी, और उस टाइम पे स्कोप चल रहा था ऑर्गेनिक का, तो ऑप्शन क्या बचा कि आई हैव टू गो विद ऑर्गेनिक। मैंने वो ऑर्गेनिक लिया जिसमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, फिर मैंने अपना ऑर्गेनिक का बेस क्लियर करना शुरू किया, लाइब्रेरी, टीचर, सबका हेल्प लिया, और मैंने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा, मेहनत किया। व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो है उसमें अगर बेस्ट करो ना, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। और उसी केमिस्ट्री में
जो मैं चाहती नहीं थी लेना, उसी केमिस्ट्री में जो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कभी, मैंने उसमें, बच्चों को पता है, मैंने गोल्ड मेडल अटेन किया, यूनिवर्सिटी टॉपर थी मैं। एंड जब वो आया ना न्यूज़पेपर में, तो मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है और मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो पापा मुझे कहते हैं, बेटा कन्फर्म कर ले, तू ही है ना। किसी को भरोसा नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि डॉली डॉली तो यार स्पोर्ट्स में सुना है, डांस में सुना है, बट डॉली पढ़ाई भी इतनी अच्छी कर सकती है। तो जो मेरी वीकनेस थी केमिस्ट्री, जो मेरी वीकनेस थी ऑर्गेनिक, जो मेरी वीकनेस थी, मैंने उसी में गोल्ड मेडल अटेन किया, और जो किया उसको बेस्ट तरीके से किया। तो आप अगर ये सोचते हो ना कि यार मैं लेट हो गया, मेरा अगले साल ये वो, नहीं, जब जागो तभी सवेरा। लाइव एग्जांपल है आपके सामने, आप ही वो बच्चे हो जो इतना पसंद करते हो। आज वही बच्चे जो फिजिकल में भी बहुत खुश होते हैं, ऑर्गेनिक में भी बहुत खुश होते हैं, ऑर्गेनिक में भी बहुत खुश होते हैं। वही केमिस्ट्री मैं आज पढ़ा रही हूँ जो मैं कभी चाहती नहीं थी। तो 2016 इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, राइट। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने मेरी इसलिए बताई है कि यार समुद्र में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। समझ रहे हो?